बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मुहम्मद नुमान गयूम, तुसी देखदे पए हो गंधारा हिंको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नूं अज जेल से रिहा किया जासी। हाई कोर्ट की तरफ से आशियाना हाउसिंग स्कीम ते रमजान शुगर मिल्स की जमानत मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नूं अज सब जेल से रिहा कर दिया जासी। शहबाज शरीफ का जाती सिक्योरिटी स्टाफ लाहौर से मिनिस्टर कॉलोनी पहुँच गया है, जबकि सब जेल हुकाम नू शहबाज शरीफ की जमानत ते रिहाई दे अदालती आर्डर का इंतजार है। साइबरिया ते दीगर ठंडे खितियां से पाकिस्तानी आबी जखायर ते आने वाले परिंदियां की तादाद तशवीशनाक हद तक कमी हुई है। ठंड के मौसम में परिंदा शुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की 12 वड्डी आबगावां झीलां ते दीगर मुकामात इस साल सिर्फ 1,50,000 मकामी ते मेहमान परिंदे देखे गए हुन। ते साल 2017 ते 18 दे दरमियान इन्हां दी तादाद 70% तक कमी वाकई हुई है। गंधारा हिंको बोर्ड गुज़श्ता वरियां दी तरह इस साल भी मादरी जुबाना दा आलमी दिन यानी 21 फरवरी नूं गंधारा हिंको अकैडमी मनाने दा इरादा रखदा है। गंधारा हिंको बोर्ड गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से इस हवाले नाल अपनी कोशिशां जारी रखे हुए वे कि तालीमी निज़ाम प्राइमरी सतह तक दी तालीम मादरी जुबान दिती जावे। इस हवाले के नाल गंधारा हिंको बोर्ड की कोशिशों के नाल सूबे दी मुख्तलिफ जुबाना बोलने वाले भी शामिल रहते हैं, जिस ख्वार, गोजरी, कोहिस्तानी, तौरवाली वगैरह मादरी जुबाना के मशाहिर भी अपनी तजवीज़ा देते रहते हैं। गंधारा हिंको बोर्ड देते रहे तमाम गंधारा हिंको अकैडमी का 188वां अमूमी इंतजामी इजलास कल बरोजे हफ्ता गंधारा हिंको अकैडमी के डॉक्टर जहूर अहमद अवान कमेटी रूम में मुनक्द हो। इजलास की सदारत गंधारा हिंको बोर्ड के जनरल सैकटरी मुहम्मद जियाउद्दीन कारसन। इजलास रिसर्च समेत दीगर उमूर से गलकत की जासी। एन मैस स्किल्स अकैडमी ते मलक इंटरनेशनल क्रिकेट अकैडमी के बाहमी इश्तराक नाल वुमेन क्रिकेट अकैडमी की इफ्तताही तकरीब के सिलसिले कल बरोजे हफ्ता 16 फरवरी को मीका अकैडमी पिश्ताखरा रिंग रोड पिशोर मैगा फेस्टिवल करवाया जासी। तकरीब सुबह 10 बजे से शुरू हो सी, जेरी के शाम 5 बजे तक जारी रह सी। तकरीब दी आर्गनाइजर एन मैस स्किल्स अकैडमी दी डायरेक्टर अनीला हुन, जबकि मेहमान खसूसी सीनियर सूबाई वजीर मुहम्मद आतिफ खान हुसन। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट दी फिल्म रिलीज दे एक दिन बाद ही ऑनलाइन लीक हो गई, जिस दी वजह नाल फिल्म नू करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा है। फिल्म गुली बॉय का इंतजार शायकीन बेचैनी नाल कर दे पेन, जबकि रिलीज से पहले फिल्म की खूब तशहीर भी की गई, जिस दी वजह नाल भारतीय तजिया निगारा ने पेशगोई करते हुए किया आया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस से अच्छा बिजनेस करने कामयाब हो जासी। तेरा अबू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। तो कितना कितना पैसा झोंक रहा हूं मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तमाम फिल्मों को ऑनलाइन लीक करने के हवाले नाल बदनाम ते मुतनाज़ा वैबसाइट तिमल रोकर्स ने गुली बॉय को ऑनलाइन लीक करके सारिया दी उम्मीदां ते पानी फेर दिता वे। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने किया वे कि मेरे दिल इच कप्तानी दी कोई ख्वाहिश नहीं गी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे मैच से पहले बताया गया कि तुहानू कयादत करना हो सी, इस वक्त मुल्क नू जरूरत है, कौमी जिम्मेदारी समझ के टीम दी कमान संभाली गई। मेरा नाम भी सरफराज अहमद ने दिता आया, पाकिस्तानी टीम एक फैमिली आ रही, तो उन्होंने किया है कि मेरे दिल कप्तानी दी कोई ख्वाहिश नहीं। इस दे नाल ही खबरें खत्म हुई, नवी खबरें नाल वत हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज़।